फासला और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं के निरीक्षण हेतु विधायक नाहन अजय सोलंकी ने दौरा किया। अजय सोलंकी ने मरीजों से भी बातचीत की और साथ ही सभी वार्डों का भी दौरा किया। विधायक अजय सोलंकी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो यहां पहुंचे हैं। विधायक अजय सोलंकी ने बताया कि गायनी वार्ड को दूसरी मंजिल में चलाया जा रहा है, इससे लोगों को सुविधा मिलेगी। विधायक अजय सोलंकी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है और लोगों की समस्याओं हेतु हेल्प डेस्क भी बनाया गया है ताकि लोग इसके जरिए अपनी समस्याओं को बता सके। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। जो भी यहाँ व्यवस्था है उनको देखने के लिए मैं आया हूँ और प्रशासन के लोगों को मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया है। तो देख रहे हैं अभी तो अभी गायनी का वार्ड एक पोर्शन देखा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है गायनी वार्ड में है। तो अभी पहले 34 बेड्स थे, अभी उन्होंने 20 बेड और यहाँ पर शिफ्ट किए। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें 10-15 बेड्स जो है और बढ़ाए जाए जाता है ज़्यादा। तो OPD का भी अभी 3 साल से बात हो रही थी, OPD भी एक या दो OPD हम कुछ पोर्शन या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में और मिल जाए तो एक दो OPD भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी रेगुलेटरीज होगी उसके लिए मैं आया हूँ और उसके लिए संज्ञान भी लेंगे और प्रशासन को मेडिकल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन होंगे। मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से भी निवेदन है कि हॉस्पिटल में कोई आदमी बड़ा दुखी होकर आता है और किसी ना किसी समस्या से की वजह से आता है, तो कम से कम पेशेंट्स को हम अच्छे से अटेंड करें। इलाज तो इलाज के तरीके से दवाई देके होता है, लेकिन हम कुछ व्यवहार कुशल होंगे भी उनका आधा इलाज कर सकते हैं और भी बैठ कर बात करें और प्रिंसिपल साहब से मैसेज के संज्ञान में लाएँ और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती फिर मेरे संज्ञान में भी लाएँ। तो अगर ऐसी कोई कंप्लेंट होती है तो अवश्य सुलंकी जी हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।